बदमाशा हो जाती है। स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में खुश होंगे दोस्त। तो दोस्तों आज सुबह सुबह ही दोस्तों मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए और दोस्तों देख सकते हो भाई आज धूप भी निकला हुआ है, गेहूँ भी हमारे दोस्तों पक चुके हैं और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको लगाना है आज गाय का दूध और हमारा ये बछड़ा भी दोस्तों देखिए और हम गाय लगाते हैं। सबसे पहले हम इसकी रस्सी खोल देते हैं दोस्तों। गाय के बछड़े को दोस्तों हमने छोड़ दिया है और देखिए दोस्तों अपनी माँ से कितना अपनी माँ का दूध पी रहा है दोस्तों। और देखिए गाय भी अपने बेटे को कितना प्यार कर रही है देखिए दोस्तों। हाँ दोस्तों शिवम भी हमारा ये लेके आ गया है, इस देगची में हम गाय को लगाएंगे दोस्तों। ये शिवम लेके आ गया है, अनुराग भी आ गया और अनुराग ने भी दोस्तों आप लोगों को हाय बोल दिया है। तो हम कैमरा शिवम को पकड़ाते हैं और गाय को हम लगाते हैं दोस्तों। हम इसको दूध पिला रहे हैं बछड़े को और कितना प्यारा बछड़ा है दोस्तों ये देखिए। ये देखिए ये दोस्तों अभी इसको 10 दिन ही हुए हैं इसको पैदा हुए और कितना प्यारा बछड़ा है देखिए दोस्तों। बहुत प्यारा है मुन्नी, बहुत प्यारा बछड़ा है दोस्तों ये, इसको 10 दिन ही हुए है अभी पैदा हुए हुए। चलता भी है अभी और चलने भी लगा है। चलिए इसने दूध पी लिया है थोड़ा, गाय ये थन भी चुका देते हैं। ये हमारी दूसरी गाय है और ये दूसरी गाय है, कई बछड़ा है। अब हम इसे बांध ले, अब रोक ले, अब रोक ले। तो हम अब गाय को लगा लेते हैं और दूसरी गाय भी दोस्तों चिल्ला रही है कि भाई मुझे भी लगा लो। पहले भाई इस गाय को लगा लेते हैं और बछड़े का रिएक्शन देखिए दोस्तों कैसे अपनी माँ से प्यार कर रहा है। चलिए हम गाय लगाना दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली सेट भाई धरती में देते हैं, ये धरती देवता को देते हैं पहली सेट का दूध और अब हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। चलें भाई दिखा दूध चलाने का। दोस्तों गाय को हमने लगा लिया है और ये देखिए देखते इतना सारा दूध निकला हुआ है। तो चलते हैं अब हम, गाय को हमने लगा लिया है और दूध दोस्तों ये है और इधर हमारी अम्मी जी देखिए दूध की सिमैया बना रही हैं। उधर ये बच्चे बैठे हुए हैं और सिमैया का इंतजार करते हुए। अनुराग भी दोस्तों सेट उतार रहा है, तो शिवानी का रिएक्शन देखिए पूरा गुस्सा, गुस्से से लाल मुंह। ये देखिए दोस्तों सिमैया क्या होगा, कहा होगा, ये देखिए गाइस अनुराग रो रहा है। आज देखिए गाइस हमारे शिवानी ने देखिए दिए होते ना जो दिवाली वाले दिए उनसे ही तराजू बना डाला है देखिए दोस्तों। काय को बना शिवानी को देखिए दोस्तों तराजू रो रहा है बिल्कुल। मामा पापा ने गुजो पैसा अपने साथ बोला तो सुसी तो पहले जाओ तो ही फिर जाओ तो ही काली तो जो जगह तो ये ना टाम और टाम हो गया उसको दब कर आ रहा। मामा मोह मोह वो दब खा लगा कितने ने उठा
यहाँ आई सिवैया बन गई है दोस्तों। लिया देवा, लिया देखा लिया होगा। सिवैया यहाँ बन चुकी है हमारी, और अनुराग अनुराग और शिवम दोनों खा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए। और यहाँ हमारी मम्मी भी हमारे लिए भी सिवैया परोस रही हैं। अनुराग देखिए दोस्तों कितना खुश हो रहा, भी रो रहा था ना। ये दोस्तों देसी टमाटर हैं जो मम्मी ने काट लिए सब्जी के लिए। दोस्तों स्मृति और शिवानी भी सिवैया का मजा ले रही है। दोस्तों शिवम और अनुराग को देखते हुए हमने भी सिवैया परोसवा ली है, और हम भी दोस्तों अब खाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लो हमारे साथ में, बहुत मजा आएगा दोस्तों। दोस्तों हमने सिवैया वगैरह खा लिए हैं और अनुराग ने भी खा लिए हैं। और दोस्तों ये हमारी बकरियां हैं, तो दोस्तों हम इनको भी चारा डाल देते हैं। तो पहले हम दोस्तों चारा लेके आते हैं। दोस्तों यही वो चारा है जो हम बकरियों को डालने वाले हैं, और ये भूसा कहते हैं दोस्तों हमारी भाषा में इसको। दोस्तों इन बकरियों को हमने चारा डाल दिया है। दोस्तों अभी अभी ये दोनों बच्चियां बता रही हैं कि इसके अंदर सांप था। चलिए अभी हम इसके अंदर चलते हैं दोस्तों। ये कूप बना हुआ है भूसा रखने वाला, और ये लोग पानी लेके जा रही थी, और ये खेत में तो भाई ये उधर जा रही थी तो बोल रही इसके अंदर सांप है। दोस्तों आपको भी हम दिखा देते हैं इसके अंदर सांप कहाँ है। ये देखिए दोस्तों मैं कैमरा को घुमा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ, देखते हैं। तो दोस्तों हमको सांप तो कहीं नजर नहीं आया, लेकिन दोस्तों उसकी खांची हमको नजर आ गई है। देखिए ये सांप की वो खांची है जो सांप जो सांप के कपड़े होते हैं जैसी होती है कांची। तो दोस्तों सांप तो हमको नहीं दिखा, चलिए इसको हमने बाहर फेंक दिया है। ये देखिए दोस्तों ये सारे खेत में ये बोझे बोलते हैं उनको, जो बांध के रखे हैं गेहूं काट के रखे हैं, ये वो बोझे हैं। ये देखिए दोस्तों अभी बहुत सारे गेहूं काटने बाकी हैं, और इस साइड गेहूं कट रहा है और यहाँ से हमको जाना है। तो दोस्तों हम इसके अंदर से जाते हैं। ये देखिए हम निकल आए हैं दोस्तों, और इधर गेहूं कट रहे हैं। तो देखिए दोस्तों हम भी जाते हैं और गेहूं काटते हैं। दोस्तों हमने भी आज फिर हसिया ले लिया है, और हम भी आज फिर से दोस्तों गेहूं ही कटवाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये गेहूं दोस्तों आज हम लोगों ने देखिए सुबह से कितने सारे गेहूं काट दिए हैं, और इधर भी दोस्तों अभी बहुत सारा गेहूं काटना भी बाकी है। तो दोस्तों आपका इसी तरह से प्यार बना रहेगा तो दोस्तों हम शाम तक पूरा गेहूं काट लेंगे। देखिए मेरे भाई कितने खुश हो रहे हैं गेहूं काटने पर। दोस्तों हम लोग गेहूं काट के आए हैं, तो इस पेड़ की छांव में बैठ गए हैं, थोड़ा रेस्ट भी ले लेते हैं। और हमारे भैया भी आ गए हैं, और हमने पानी का ये घड़ा मंगवा लिया है। दोस्तों थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, उसके बाद फिर से गेहूं काटने जाना है।
ये देखिए दोस्तों, बहुत चिल्ड पानी है भाई। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है गर्मियों के टाइम में, तो हम लोग मिट्टी के घड़े में ही पानी रखते हैं और ये पानी बहुत शुद्ध होता है दोस्तों, ठंडा भी रहता है घड़े का पानी, तो इसलिए घड़े का पानी ही पीना चाहिए दोस्तों गर्मियों के सीजन में। तो हम पानी पी लेते हैं। बहुत ठंडा पानी है दोस्तों, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। कुछ लोग देखिए दोस्तों बेर खा रहे हैं, बेरी के बेर सूख गए हैं, वो सूखे हुए बेर खा रहे हैं क्योंकि अभी खाना नहीं खाया है हम लोगों ने और काटने में लगे हुए थे गेहूं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग गेहूं काट रहे थे और देखिए ये पूरी पिस जो गेहूं ये गिर गई, जो ओले बारिश हुई थी ना उसी में पूरी पिसी गिर गई थी दोस्तों, जो ओले बारिश हुई थी ना उसी से सारी पिसी गिर गई थी। हम लोगों को काटने में बहुत दिक्कत हो रही दोस्तों। अब 12 बजने को टाइम है और भाई हम लोगों ने नहाया धोया भी नहीं है और हम लोग सुबह से ही गेहूं काट रहे थे, तो दोस्तों अब हम लोग नहा धो लेते हैं, उसके बाद बस आराम करेंगे और ये जितना गेहूं कटा हुआ है इनको भी बांधना है। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि दोस्तों हमको भी बहुत सारे ब्लॉग के अलावा बहुत सारे काम होते हैं जो हमको दोस्तों करने पड़ते हैं और दोस्तों हमको भी नहाना धोना भी है और सारे भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो दोस्तों वो भी हम कर लेते हैं। और आज का वीडियो दोस्तों दिल से लाइक करना प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ आप दिल से लाइक करना और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं भाई वो मेरे चैनल को प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है भाई कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।